भगवान पर वापस प्रभुपाद। प्रभुपाद की पुस्तकें हंस के समान पुरुषों के लिए पुस्तक बैक टू गॉड हिट वॉल्यूम 59 1973। परम पावन ब्रह्मानंद स्वामी द्वारा। परम पावन ब्रह्मानंद स्वामी इस्कॉन के पहले न्यूयॉर्क शहर के मंदिर के अध्यक्ष के रूप में कई वर्षों तक कार्य करने के बाद और साथ ही साथ न्यूयॉर्क शहर पब्लिक स्कूल प्रणाली में एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए इस्कॉन प्रेस के निदेशक बने और 1970 में जीवन के त्यागादेश को स्वीकार कर लिया। वह अफ्रीका में कृष्ण चेतना आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे और अब केन्या और अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों के प्रचार दौरे पर हैं। श्रीमद् भागवतम को अन्य सभी वैदिक साहित्य से ऊपर माना जा सकता है क्योंकि इसका अंग्रेजी संस्करण दुनिया के अग्रणी वैदिक विद्वान और अधिकार उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यद्यपि उनकी दिव्य कृपा ने वैदिक साहित्य के कई अनुवाद किए हैं जिनमें श्री उपनिषद, चैतन्य चरितामृत और भगवद गीता के 1000 पृष्ठ निश्चित संस्करण शामिल हैं और योग, मृत्यु, अंतरिक्ष यात्रा और अन्य पर मुट्ठी भर छोटे खंड लिखे हैं। विषयों यह उनका श्रीमद् भागवत में है कि वे अपने जीवन का मिशन मानते हैं। आज तक उन्होंने 6 खंड प्रकाशित किए हैं जिसमें भागवत के 12 सर्गों में से पहला और दूसरा साथ ही असाधारण 10वें सर्ग का 2 खंड का सारांश अध्ययन शामिल है। आश्चर्यजनक रूप से उनकी दिव्य कृपा कम से कम 60 खंडों में पूर्ण आधिकारिक 18,000 श्लोक संस्कृत कार्य प्रस्तुत करने का वादा करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि 1965 में भारत से अमेरिका की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के लिए श्री प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता के बजाय श्रीमद् भगवत के अपने पहले सर्ग के जल्दबाजी में मुद्रित संस्करण से लैस किया जो कि कहीं अधिक व्यापक रूप से जाना जाता है। पश्चिम अब लगभग 7 वर्षों के प्रचार के बाद 4 बार दुनिया का दौरा करने और 16 अलग अलग देशों में 90 से अधिक केंद्र खोले 76 वर्ष की आयु में दुनिया का लाभ श्रीमद् भागवत की उनकी विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तुति द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्रीमद् भागवत के मूल लेखक श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं जो वैदिक साहित्य की संपूर्ण आकाशगंगा के लेखक हैं। यह समझना कि श्री व्यासदेव वास्तव में स्वयं एक साहित्यिक अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं किसी को यह समझने में सक्षम बनाता है कि वह मूल वेद को 4 विभागों में कैसे संपादित करने में सक्षम था जिससे दुनिया में मौजूद सभी विषयों के सभी ज्ञान और भविष्य में मौजूद रहेंगे। फिर विशाल महाभारत 60,000 छंद लिखने के लिए जिसमें प्रसिद्ध भगवद गीता शामिल है, फिर 18 पुराण और फिर अत्यधिक जटिल वेदांत सूत्र। इतना विशाल शास्त्र साहित्य केवल स्वयं भगवान से ही निकल सकता है। चिंता और उसके कारण श्री व्यासदेव ने वर्तमान कलियुग सहस्राब्दी की पूर्व संध्या पर इन कार्यों का निर्माण किया, एक आध्यात्मिक समाधि के दौरान इस युग में मनुष्य के दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य का पूर्वाभास करने के बाद। इन सभी पुस्तकों को लिखने के बाद महान उदार ऋषि ने असंतुष्ट महसूस किया। मैंने कठोर अनुशासनिक प्रतिज्ञाओं के तहत वेदों, आध्यात्मिक गुरु और बलिदान की वेदी की निर्भीकता से पूजा की है, उन्होंने सोचा। मैंने भी नियमों का पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य उत्तराधिकार का महत्व दिखाया है जिसके द्वारा महिलाएं, शूद्र और अन्य भी धर्म का मार्ग देख सकते हैं। मैं अधूरा महसूस कर रहा हूँ हालांकि मैं स्वयं वेदों के लिए आवश्यक हर चीज से पूरी तरह सुसज्जित हूँ। भगवद गीता 1:4-28-30 गहन ध्यान ने व्यास को उनकी निराशा का कारण बताया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने विशेष रूप से भगवान की भक्ति सेवा की ओर इशारा नहीं किया जो पूर्ण प्राणियों और अचूक भगवान दोनों को प्रिय है। भगवद गीता 1:4-31 उसी समय व्यासदेव के आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि ऋषि के पास पहुंचे। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का दायित्व है कि वह अपने शिष्य में चिंता का कारण तुरंत पता करे और सत्य बोलकर इसे दूर करे, जैसे कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बात की थी। नारद ने व्यास से कहा, आप जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हैं वह भगवान से अलग है, बस विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के साथ प्रतिक्रिया करता है। मन को उत्तेजित करने के लिए जैसे हवा एक नाव को उत्तेजित करती है जिसका कोई विश्राम स्थान नहीं है। भगवद गीता 1:5-14 व्यास ने भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बारे में सीधे लिखने की उपेक्षा की थी और इसके बजाय उन्होंने वेदों में कई अन्य धार्मिक अनुष्ठान प्रस्तुत किए थे। इसने न केवल व्यास को उत्तेजित किया बल्कि क्योंकि वह एक अधिकार था इसने इस युग के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाया था। इसका कोई फायदा नहीं हुआ कि व्यास ने भौतिक विषयों के साथ साथ दिव्य निर्देश दिए थे। महाभारत में एक ऐतिहासिक कथा उन्होंने वास्तव में भगवद गीता को शामिल किया था जो भगवत धर्म के सार पर जोर देती है कि किसी को अन्य सभी कार्यों को त्यागना चाहिए और पूर्ण रूप से और पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। लेकिन भौतिकवादी पुरुष इस पर नजर डालने के लिए प्रवृत्त होते हैं और शेष महाभारत के राजनीतिक, आर्थिक और परोपकारी विषयों पर तत्कालीन स्वाद के अनुसार ध्यान देते हैं। इसलिए चूंकि उन्होंने लोगों को भौतिकवादी धर्म का एक कार्यक्रम दिया था जो कि फलदायी गतिविधियों के विनियमित प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं था, वे भागवत धर्म के सार पर ध्यान नहीं देंगे कि एक व्यक्ति को भगवान के साथ अपने रिश्ते को महसूस करना चाहिए और बिना किसी देरी के उन्हें समर्पण करना चाहिए।
क्योंकि व्यास ने समझौता कर लिया था। वेदों की उनकी पूरी प्रस्तुति बर्बाद हो गई थी, जैसे मीठे चावल का एक बड़ा बर्तन अगर कोई उसमें एक चुटकी रेत डाल दे तो बर्बाद हो जाएगा। नारद ने व्यास को फटकार लगाए, सामान्य रूप से लोग आनंद लेने के लिए इच्छुक हैं और आपने उन्हें धर्म के नाम पर इस तरह प्रोत्साहित किया है, यह वास्तव में निंदनीय है और काफी अनुचित है। भगवद गीता 1:5-15। एक सच्चे शिष्य के लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का अपमान एक स्वागत योग्य अवसर है। गुरु शिष्य संबंध में चापलूसी के आदान प्रदान का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि कई आधुनिक स्वामी और उनके शिष्य अब करते हैं। व्यास ने खुले तौर पर अपनी बड़ी गलती को स्वीकार किया, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु के आग्रह से उन्होंने इसे सुधारा और भागवत की शुरुआत में यह स्पष्ट कर दिया कि यह कार्य काफी अलग होगा। भौतिक रूप से प्रेरित सभी धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह से खारिज करते हुए यह भागवत पुराण श्रीमद् भागवत उच्चतम सत्य को प्रतिपादित करता है, जो उन भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो शुद्ध हृदय है। भगवद गीता 1:1.2। पूर्णता का रहस्य वेदों के माध्यम से फलदायी गतिविधियों, काल्पनिक दर्शन और देवताओं की पूजा की एक विनियमित प्रणाली को बढ़ावा देने में श्री व्यासदेव का इरादा, किसी न किसी तरह इंद्रिय तृप्ति के परिणाम स्वरूप पुरुषों और समाजों के बीच सभी अनुचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना था। श्री व्यासदेव ने उन सभी पुस्तकों को सिर्फ सभी को खुश करने के लिए लिखा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे खुद को खुश नहीं कर सके। लेकिन नारद मुनि सुख का रहस्य जानते थे और इसलिए उन्होंने व्यास को श्रीमद् भागवत लिखने का निर्देश दिया। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता के एक सर्वव्यापी श्लोक में पूर्णता के रहस्य को बताया, मैं कृष्ण सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे निकलता है। जो ज्ञानी इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लग जाते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। भव 10:8। इसलिए श्रीमद् भागवत केवल एक विषय और एक विषय से संबंधित है, ईश्वर का प्रेम, और यह एक महान विषय है। पूरी तरह से भागवत के 12 सर्गों की आवश्यकता है, जिसमें व्यास स्थापित करते हैं कि भगवान कौन है, उनके साथ विभिन्न संबंध क्या हैं और उन्हें कैसे स्थापित किया जा सकता है। यह सब भगवान के पूर्णता प्रेम में परिणत होता है। श्रीमद् भागवत में लगातार 4 छंदों में पुस्तक की संपूर्ण विषय वस्तु का सारांश दिया गया है। ये छंद 4 छंदों में मूल श्रीमद् भागवत के रूप में जाने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा द्वारा पूछे गए 4 प्रश्नों के लिए भगवान कृष्ण एक विशिष्ट उत्तर हैं, जो इस दुनिया में कृष्ण से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्रह्मा ने पहले पूछा, पदार्थ और परात्पर दोनों में भगवान के रूप क्या हैं? उत्तर महत्वपूर्ण अहम एव पद्य है, ब्रह्मा यह मैं भगवान का व्यक्तित्व है जो सृष्टि से पहले मौजूद था, जब मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, न ही भौतिक प्रकृति थी। इस सृष्टि का कारण जो अभी आप देख रहे हैं वह मैं भी है भगवान का व्यक्तित्व, और विनाश के बाद जो बचता है वह मैं भी होगा भगवान का व्यक्तित्व। भगवद गीता 2:9-33। 3 बार प्रभु अहम को दोहराता है, यह मैं हूँ और बिना इरादे के नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात पर जोर देने के लिए वेद दोहराव का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पुराण राज्य, कृष्ण के नाम का जाप करो, कृष्ण के नाम का जाप करो, कृष्ण के नाम का जाप करो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरह गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मैं 4 बार केवल इस बात पर जोर देने के लिए कि वे विचार, पूजा, सेवा और मुक्ति के पात्र हैं। यह दोहराव एक प्रकार की ताड़ना है, जैसे कि जब एक माँ जो चाहती है कि उसका बच्चा कुछ शरारतों को रोक दे, इसे रोको, इसे रोक, इसे रोक। कृष्ण उन दार्शनिकों को दंडित करना चाहते हैं जो मानसिक अटकलों से जोर देते हैं कि भगवान वास्तव में एक व्यक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से खुद पर जोर देने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मा को इन 4 श्लोकों को बोलने के तुरंत बाद कृष्ण ब्रह्मा की दृष्टि से गायब हो जाते हैं, फिर से केवल इस बात पर जोर देने के लिए कि जब वे मैं कहते हैं तो वे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से संदर्भित करते हैं। फिर भी कृष्ण द्वारा गीता में 4 बार मैं कहने के ठीक बाद एक तथाकथित विद्वान लिखते हैं, यह कृष्ण के लिए नहीं है, और फिर समझाते हैं कि कृष्ण वास्तव में भीतर अजन्मे और अव्यक्त की बात कर रहे थे। भगवान चैतन्य ने उन लोगों को मना किया है जो श्रीमद् भागवत का सही अर्थ समझना चाहते हैं, इन भ्रामक दार्शनिकों की पुस्तकों को पढ़ने के लिए। भगवान ब्रह्मा के 4 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कृष्ण निर्देश देते हैं कि परम सत्य को कैसे जाना जाए। मेरे बारे में शास्त्रों में वर्णित ज्ञान बहुत गोपनीय है और इसे भक्ति सेवा के संयोजन के साथ महसूस किया जाना है। उस प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री मेरे द्वारा समझाई जा रही है, आप इसे ध्यान से ले सकते हैं। भगवद गीता 2:9-31। आनंद और ज्ञान का शाश्वत रूप भगवान का ज्ञान तभी हो सकता है जब वह स्वयं भगवान द्वारा ज्ञात किया जाए। यह भगवद गीता में बार बार कहा गया है, विशेष रूप से भगवद गीता के सारांश छंद के रूप में जाने जाने वाले 4 श्लोकों में 10:8-11। स्वतंत्र रूप से महान से बड़ा सांसारिक विचारक भी मानसिक अटकलों से परम सत्य को नहीं समझ सकता है।
अधिक से अधिक वह कृष्ण के अवैयक्तिक ब्राह्मण पहलू का बोध प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसे गीता भगवान के व्यक्तित्व का सबसे गोपनीय ज्ञान कहती है उसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं जो अपने हृदय के कारण भगवान से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भक्ति सेवा तत्काल उदाहरण अर्जुन है, जिसे भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में हजारों में से अकेले योग्य होने की घोषणा की, क्योंकि वह एक बड़ा विद्वान ध्यानी या योगी होने के बजाय वह एक वास्तविक मित्र और भगवान का सच्चा भक्त था। इसलिए कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रकट किया, जैसे एक पिता केवल अपने पालतू पुत्र को ही विश्वास प्रकट कर सकता है। अवैयक्तिक दर्शन के अनुयायी इस बात पर जोर देते हैं कि परम सत्य अंततः अवैयक्तिक या शून्य है, और कहते हैं कि यद्यपि निरपेक्ष इस दुनिया में कई रूपों को प्रकट कर सकता है, वे सभी भौतिक हैं। उपनिषदों का हवाला देते हुए, जो वेदों के प्राथमिक ग्रंथ हैं, वे भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, जैसे कथनों से निष्कर्ष निकालते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन वे इस कथन की व्याख्या कैसे कर सकते हैं जो इस उपनिषद मंत्र 16 में पाया जाता है, कृपया अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा दे ताकि मैं आपके आनंद के रूप को देख सकूं। आनंद का एक रूप हमारे अनुभव के भीतर नहीं है, क्योंकि भौतिक दुनिया में हर कोई अपवाद के बिना चार दुखों से ग्रस्त है, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। लेकिन वेद हमारे सीमित अनुभव से परे शाश्वत आनंद और ज्ञान के रूप सत्य आनंद विग्रह की ओर इशारा करते हैं। इससे कोई भी समझ सकता है कि कैसे अवैयक्तिकता भौतिकवाद और नास्तिकता के समान है, क्योंकि ये सभी दर्शन केवल शारीरिक इंद्रियों या मानसिक अटकलों के माध्यम से जो अनुभव कर सकते हैं उस पर आधारित हैं। लेकिन भागवत धर्म कृष्ण भावनामृत वैदिक शास्त्रों के अधिकार पर आधारित है, जिसमें एक व्यक्तिवादी का पूर्ण विश्वास होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों में से किसी एक का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। वह अपनी आंखों से खा सकता है या वह अपने पैरों से देख सकता है। जाहिर है यह शक्ति लौकिक रूप की सीमा से परे है। अवैयक्तिकता के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में खड़े होकर श्रीमद् भागवत भगवान के विभिन्न दिव्य रूपों का सबसे विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जो सभी समान हैं लेकिन दिखने में भिन्न हैं। उनके कुछ शरीर काले, कुछ लाल, कुछ पीले और कुछ सफेद हैं, कुछ दो हाथ वाले हैं और कुछ चार हाथ वाले हैं, कुछ मछली की तरह हैं और कुछ शेर की तरह हैं। भागवत में इन रूपों की सभी गतिविधियों या लीलाओं का विस्तार से वर्णन करता है, विशेष रूप से 10वें सर्ग अब कृष्ण पुस्तक के रूप में प्रकाशित में। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्विशेषवादियों ने भागवत में अपनी दागी और सट्टा व्याख्याओं को लागू करने की कोशिश करने से परहेज किया है, क्योंकि कोई भी मौखिक बाजीगरी श्रीमद् भागवत के छंदों के स्पष्ट स्पष्ट अर्थ को छिपा नहीं सकती है। यहाँ तक अवैयक्तिकता के जनक श्रीपाद शंकराचार्य ने, हालांकि वेदांत सूत्र पर एक प्रसिद्ध टिप्पणी लिखी है, श्रीमद् भागवत को नहीं छुएंगे, जो कि इसके मूल लेखक श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र का एक और विस्तार है। ब्रह्म भागवत में भगवान ब्रह्मा का दूसरा प्रश्न, भगवान की विभिन्न ऊर्जाएं कैसे काम कर रही हैं, का उत्तर इस प्रकार दिया गया है, जो कुछ भी मूल्यवान प्रतीत होता है अगर वह मुझसे संबंध के बिना है तो उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया शक्ति के रूप में जानो, वह प्रतिबिंब जो अंधकार में प्रतीत होता है, भगवद गीता 2:9-34। भगवद गीता का 7वां अध्याय पुष्टि करता है कि भगवान के पास दो ऊर्जाएं हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक ऊर्जा स्वयं को उस रूप में प्रकट करती है जो ईश्वर से उत्पन्न नहीं बल्कि स्वतंत्र प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी भगवान से संबंधित नहीं है वह मायावी भौतिक ऊर्जा का एक हिस्सा है, क्योंकि वास्तव में उनसे संबंधित हुए बिना कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता है। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिकों के ज्ञान, सिद्धांतों और शोध को, जो ईश्वर और टाइम दुनिया के बीच किसी भी संबंध को खारिज करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भ्रमपूर्ण माना जाना चाहिए। ये वैज्ञानिक भगवान द्वारा संसार की रचना के संबंध में शास्त्रों के आधिकारिक बयानों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, फिर भी वे दुनिया को कैसे बनाया, बनाए रखा और नष्ट किया जाता है, इस पर केवल सिद्धांतों और विरोधाभासी अटकलों का ढेर प्रस्तुत कर सकते हैं। चिकित्सा वैज्ञानिक शरीर की शारीरिक संरचना में आत्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं, फिर भी अपनी सभी प्रयोगशालाओं के साथ वे एक मृत शरीर को जीवन नहीं दे सकते, भले ही उसके सभी भौतिक तंत्र मौजूद हों। भौतिकवादी वैज्ञानिकों की तरह अवैयक्तिकतावादी, जो यह मानते हैं कि अंतिम बोध में व्यक्ति स्वयं भगवान बन जाता है, वे ब्रह्म में हैं। उनका सर्वोच्च होने का दावा यह कहने का एक और तरीका है कि उनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यदि कोई स्वयं ईश्वर है तो उसे स्वयं को भगवान से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तित्ववाद इस भ्रम को यह समझाकर दूर करता है कि भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं भगवान की तरह महान नहीं हो सकती है, हालांकि ऊर्जा जीवों और ऊर्जा के मालिक भगवान के बीच बहुत कम गुणात्मक अंतर है। जैसे अग्नि ऊष्मा का स्रोत है लेकिन ऊष्मा स्वयं अग्नि नहीं है, वैसे ही भगवान असंख्य जीवों के स्रोत हैं, हालांकि ये जीव ईश्वर के समान नहीं है। ईश्वर और जीवों को एक समान मानना है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि जीव को कई शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है जो अनंत भगवान को प्रभावित नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए, देहधारी आत्मा अपने शरीर के विकास के अनुसार ही शक्तियों और शक्तियों का प्रदर्शन कर सकती है।
इस प्रकार एक शिशु की शक्तियां उदाहरण के लिए एक पूर्ण विकसित व्यक्ति की तुलना में काफी सीमित होती हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं तो वे अपनी पूरी शक्तियों का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। श्रीमद् भागवत 10वें सर्ग में बताता है कि कृष्ण ने पूतना नामक भयानक राक्षस को मार डाला जब वह अपनी माँ की गोद में केवल एक शिशु था। भगवान और उनकी ऊर्जा। भगवान ब्रह्मा का तीसरा प्रश्न, भगवान अपनी विभिन्न ऊर्जाओं के साथ कैसे खेलते हैं, का उत्तर इस प्रकार है। हे ब्रह्मा, कृपया जान लें कि सार्वभौमिक तत्व ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और साथ ही ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते हैं। इसी तरह मैं स्वयं हर चीज में मौजूद हूँ और साथ ही मैं हर चीज से बाहर हूँ। भगवद गीता 2.935। भगवद गीता बताती है कि भौतिक निर्माण में पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं। पृथ्वी, वृक्ष, पर्वत, मनुष्य और पशु सभी इन तत्वों के विभिन्न संयोजनों से बने हैं, फिर भी ये तत्व स्वयं स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। इसी तरह भगवान अपनी ऊर्जा से सब कुछ के भीतर हैं, फिर भी एक ही समय में सब कुछ से बाहर हैं। एक उदाहरण देने के लिए, एक राजशाही में विभिन्न सरकारी विभाग राजा की ऊर्जा के रूप में काम करते हैं, फिर भी राजा व्यक्तिगत रूप से हर विभाग में मौजूद नहीं होता है, हालांकि वे उसकी शक्ति से काम करते हैं। अव्यक्तिकतावादी हालांकि केवल यह देखते हैं कि ईश्वर हर चीज में सर्वव्यापी है और इसलिए गलती से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान के राज्य वैकुंठ लोक में उनका कोई रूप नहीं है, जो भौतिक अभिव्यक्ति से परे है। आत्मज्ञान प्राप्त करना। एक भक्त को भगवान के वास्तविक स्वरूप के व्यक्तित्व का गोपनीय ज्ञान कैसे प्रकट होता है, यह ब्रह्मा को उनके चौथे प्रश्न के उत्तर में समझाया गया था। मुझे सौंपे गए कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मुझे कैसे निर्देश दिया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, एक व्यक्ति जो परम पूर्ण सत्य भगवान के व्यक्तित्व की खोज कर रहा है, उसे निश्चित रूप से सभी परिस्थितियों में और सभी स्थान और समय में और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खोज करनी होगी। भगवद गीता 2.936। श्रीमद् भागवत का आनंद लेने वालों की तुलना हंसों से की जाती है जो पानी के सुखद तालाबों का आनंद लेते हैं, प्राकृतिक और प्राकृतिक, जबकि भौतिकवादियों की तुलना उन कौवे से की जाती है जो कचरे के ढेर का आनंद लेना पसंद करते हैं। एक भी शुद्ध भक्त को कृष्ण भावनामृत में स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि प्रत्येक महान आध्यात्मिक गुरु को पिछले आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्देश और आशीर्वाद दिया गया है। न केवल भगवान ब्रह्मा, सभी जीवों में सबसे पहले और सबसे महान भगवान श्री कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से निर्देश प्राप्त करते थे, बल्कि स्वयं भगवान भी सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु संदीपनी मुनि के शिष्य बन गए और फिर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु को भी स्वीकार कर लिया। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन निस्संदेह कठिन है, इसलिए शास्त्रों और आध्यात्मिक गुरु दोनों से ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिसका जीवन उदाहरण के द्वारा सिखाता है जो शास्त्र सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक में भागवत शब्द का दोहरा अर्थ है, शास्त्र और व्यक्तित्व जो शास्त्र का उदाहरण देते हैं, पुस्तक भागवत और भक्त भागवत। श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनने और शुद्ध भक्त, जिसे भागवत के रूप में भी जाना जाता है, कि सेवा करने से जो कुछ भी दिल के लिए कष्टदायक है वह व्यवहारिक रूप से नष्ट हो जाता है, और दिव्य गीतों से स्तुति गौरवशाली भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा है, एक अपरिवर्तनीय तथ्य के रूप में स्थापित। भगवद गीता 1.2.18। लेकिन यद्यपि कोई भी श्रीमद् भागवत का आनंद ले सकता है, हर कोई नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कामुक मानसिक अटकलों को पढ़ने से आनंद प्राप्त करते हैं जो केवल समय बर्बाद करते हैं, इस प्रकार उनके भ्रम, विलाप और भय को बढ़ाते हैं। हालांकि जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं और वास्तव में भौतिक जीवन से घृणा करते हैं, वे श्रीमद् भागवत के बंदी श्रोता हैं। भागवत ऐसी दुर्लभ आत्माओं की तुलना हंसों से करता है जो पानी के सुखद तालाबों का आनंद लेते हैं, सुंदर और प्राकृतिक, जबकि यह भौतिकवादियों की तुलना कौवे से करता है जो कचरे के ढेर का आनंद लेना पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवत को अंग्रेजी भाषी दुनिया में प्रचारित करने की प्रेरणा 19वीं शताब्दी में श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के भव्य आध्यात्मिक गुरु के साथ शुरू हुई। एक आध्यात्मिक अग्रणी के रूप में श्री भक्ति विनोद ठाकुरा ने पहली बार विशेष रूप से अंग्रेजी में किताबें लिखी ताकि पश्चिमी लोगों को भागवत धर्म में रुचि रखने की कोशिश की जा सके। भागवत इट्स फिलोसफी, इट्स एथिक्स एंड इट्स थियोलॉजी नामक एक छोटे से खंड में वे इस प्रकार लिखते हैं, भागवत श्रीमद् भागवत मुख्य रूप से भारत की पुस्तक है। एक बार इसमें प्रवेश करें और आपको आध्यात्मिक दुनिया में प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां स्थूल पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। भागवत का सच्चा अनुयायी एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसने पहले से ही अभूतपूर्व प्रकृति के साथ अपने अस्थायी संबंध को तोड़ दिया है और खुद को उस क्षेत्र का निवासी बना लिया है जहां भगवान शाश्वत रूप से मौजूद हैं और प्यार करते हैं। यह शक्तिशाली कार्य प्रेरणा पर आधारित है और प्रतिबिंब पर इसकी अधिरचना डॉट। इसलिए हम श्रीधर स्वामी और दिव्य चैतन्य और उनके समकालीन अनुयायियों जैसे महान टीकाकारों की सहायता से इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए बाध्य हैं।
एक आध्यात्मिक गुरु जो प्रभु को जानता है। श्रीमद् भागवत को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना नितांत आवश्यक है, न कि पेशेवर पाठ करने वालों या छद्म भक्तों से। आध्यात्मिक गुरु वह है जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को जानता है। उसने अन्य सभी कार्यों को त्याग दिया होगा और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहेगा। ऐसा आध्यात्मिक गुरु हमेशा कृष्ण की ओर ले जाएगा, न कि उनसे दूर। कृष्ण कहते हैं, केवल मुझे समर्पण करो, ममेकम शरणम व्रज। और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, कृष्ण को समर्पण करो। वह कृष्ण के शब्दों की व्याख्या नहीं करता है और कहता है कि यह कृष्ण के लिए नहीं है कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। वह संदेश को वैसे ही वितरित करता है जैसे एक डाकिया जो एक पत्र को बिना खोले और जो कहता है उसे बदले बिना उसे भेजता है। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिवादी होना चाहिए। निर्विशेषवादी शुद्ध नहीं है क्योंकि वे ईश्वर के साथ एक होने की इच्छा रखते हैं, जैसे भौतिकवादी जो खुद को दुनिया में नंबर एक मानते हैं। क्योंकि वे भौतिक रूप से दूषित हैं, निर्विशेषवादी शास्त्रों के शुद्ध संदेश की गलत व्याख्या करने से नहीं बच सकते। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि जो कोई आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने के लिए उत्सुक है, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की तलाश करें जो सभी को भगवान तक ले जा सके। ऐसा आध्यात्मिक गुरु भगवान के परम व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्त के लिए स्वयं को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो निरंतर समर्पित हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। BG 10.10। यह महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक आकांक्षी कृष्ण भावनामृत के विज्ञान से परिचित हो ताकि वह गुमराह ना हो। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन से अनभिज्ञ है तो वह कैसे मूल्यांकन कर पाएगा कि कौन सच्चा आध्यात्मिक गुरु है और कौन फर्जी? यदि कोई बीमार है और उसे डॉक्टर की आवश्यकता है तो उसे एक ऐसे डॉक्टर का चयन करना चाहिए जो उसे ठीक करने के लिए योग्य हो, जिसकी सिफारिश शायद किसी मित्र ने की हो और जिसने अन्य रोगियों को ठीक किया हो। एक आध्यात्मिक गुरु का चयन करना उतना ही व्यवहारिक मामला है, और क्योंकि भौतिक जीवन का रोग सबसे अधिक जिद्दी है, केवल एक विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु ही इसका इलाज कर सकता है यदि कोई वास्तव में ठीक होना चाहता है। अधिकांश लोग भौतिक जीवन के रोग की गंभीरता को नहीं समझते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि यदि कोई ईश्वर को चाहता है तो भगवान उसे एक आध्यात्मिक गुरु के पास भेज देगा जो उसे भगवान देगा। हम किसी भी पाठक को पूर्ण सत्य, भगवान या कृष्ण की तलाश करने के लिए भाग्यशाली होने की सलाह देते हैं जो उनकी दिव्य कृपा श्रील प्रभुपाद से संपर्क करते हैं, जो ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा केवल उनके श्रीमद् भागवत को पढ़कर ही किया जा सकता है। उनकी दिव्य कृपा के शब्दों में दुनिया भर में हजारों और हजारों साहित्यकार हैं और उन्होंने हजारों और हजारों वर्षों से सामान्य रूप से लोगों की जानकारी के लिए कई हजारों साहित्यिक कृतियों का निर्माण किया है। दुर्भाग्य से उनमें से किसी ने भी पृथ्वी पर शांति और शांति नहीं लाई है। यह उन साहित्यों में आध्यात्मिक शून्यता के कारण है। इसलिए वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, विशेष रूप से पीड़ित मानवता के लिए भौतिक सभ्यता की पीड़ा से मुक्ति के वांछित प्रभाव को लाने के लिए अनुशंसित हैं, जो मानव ऊर्जा के महत्वपूर्ण हिस्से को खा रही है।